आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि देसी दही कैसे जमाएं। हाउ टू मेक इंडियन कर्ड। देसी दही को लाल दही, गांव वाली दही आदि नामों से भी जाना जाता है। यह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है। शहरों में डेयरी या हलवाई की दुकान पर मिलने वाली दही से इसका रंग, स्वाद और खुशबू बिल्कुल अलग तरह का होता है। गाँव में मिलने वाली इस दही का तो शहरों में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आइए देखते हैं घर पर इस भारतीय दही को जमाने का राज। मैं हूं अमित राणा, खाने की खुशबू चैनल में आपका स्वागत है। खाने की खुशबू चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि चैनल के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दही जमाने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी गाय या भैंस के गोबर से बने गोबर के उपले। गोबर के केक को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कंडे, थेपड़ी, छाड़ा, काउडंग, गोइठा आदि। इन उपलों को तोड़कर टुकड़े कर लेंगे। इन उपलों की देसी दही जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन उपलों को जलाने के लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है। आप चाहे तो फर्श पर ईंट या बालू भी बिछाकर इसे जला सकते हैं। उपले का एक टुकड़ा मिट्टी के तेल में डुबोकर उपलों के बीच में रखकर जलाएंगे। जब आग थोड़ी बढ़ जाए तो उपले के टुकड़ों को इसके ऊपर रखते जाएंगे, जिससे सारे उपले अच्छे से जलने लगेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज है मिट्टी को पकाकर बनाई गई ये हांडी। यह कुम्हार के पास या बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी। आप अपनी दही की आवश्यकता के अनुसार किसी भी साइज का हांडी ले सकते हैं। मैंने 1 लीटर दही के साइज की हांडी ली है। आग पर इसको गर्म होने दें। इसके बाद दूध लेंगे। मैंने यहाँ फुल क्रीम पैकेट का दूध लिया है। आप चाहे ग्वाले से भी दूध ले सकते हैं, बस ध्यान रहे कि उसमें पानी ना पड़ा हो। 1/2 लीटर का 2 पैकेट दूध लिया है। 1 लीटर दूध को हम गर्म हो चुकी हांडी में डालेंगे। दूध को आग पर गर्म होने देंगे। दूध गर्म हो रहा है। इसमें उबाल आने लगा है। दूध को 1-1.5 घंटे से ऊपर उबालना है। धीरे धीरे दूध झाग की तरह बनकर ऊपर आता जाएगा। इसको तब तक नहीं चलाएंगे जब तक यह नीचे अपने आप गिरने न लगे। दूध को नीचे आने से पहले ही चलाने लगेंगे। ये देखिए थोड़ा सा देर होने पर दूध किस प्रकार नीचे गिरने लगा है। पलटे से दूध को थोड़ी थोड़ी देर पर इसी प्रकार करते रहें, इससे दूध नीचे नहीं आएगा। लगभग 1.5 घंटे से ये दूध उबल रहा था। हांडी को आग पर से उतारेंगे। उसके बाद आग को डंडे से ठंडा करने के बाद हांडी को वापस रखेंगे। उपलों की राख को हांडी के चारों तरफ बराबर से लगा देंगे। दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूध को उंगली सहने भर का ठंडा करेंगे। दूध गुनगुना गर्म रहना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा जमावन लेंगे। हांडी में 1/2 चम्मच 3-4 जगह जमावन डाल देंगे। इसके बाद इसको ढककर 10-12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 12 घंटे हो चुके हैं, दही जमकर तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी प्रकार से दही जमी हुई है। दही की किसी भी रेसिपी के लिए इस दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब दही को सर्व करें। हमारी ये दही जमाने की विधि आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। और भी अच्छी रेसिपी वीडियो के लिए देखते रहें हमारा चैनल। सब्सक्राइब करें खाने की खुशबू चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय।